ये बन रहा है पास्ता। पास्ता के लिए ये कैप्सिकम, ऑनियन एंड ग्रीन चिली और क्या डाला है इसमें, और मसाला सॉसेज डाले हुए हैं। सॉसेज में कौन कौन से सॉसेज हैं? सोया सॉस और शेजवान सॉस। ओके, सोया एंड शेजवान सॉसेज डाले हुए हैं। और अभी इसमें जो बॉइल्ड बॉइल्ड पास्ता यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज मैक्रोनी बोलते हैं इसको, ये धनिया कटी हुई रखी है, अब इसको डालेंगे इसमें ये इस तरह से। ओके, पर्याप्त मात्रा में सारी इसमें पूरी की पूरी मैक्रोनी यानी कि पास्ता ड्रॉप कर दिया जाएगा। इटालियन डिश है ये, इसमें जितनी बढ़िया से बनाएंगे सॉसेज वगैरह डालेंगे उतना ही इसका स्वाद आएगा। और इसमें तीन चीज़ों का ध्यान रखा जाए स्वाद बढ़ाने के लिए, सॉसेस का ध्यान रखा, स्पाइसेस का। ओके, सॉसेस और स्पाइसेस का ध्यान रखा जाए स्वाद बढ़ाने के लिए, सो दैट अच्छा बन सके। ये देखो अभी ये पूरा अच्छे से मिला दिया जाएगा। ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वीडियो में खुशबू तो दिखाई नहीं जा सकती, कहीं बाहर भटकने से अच्छा है कि घर पे अपनी मनपसंद का बना के खाएं। और सेवरल सॉस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि ज़िंदगी में स्वाद थोड़ा बढ़ेगा और खाने का स्वाद तो है ही यहाँ पे। ये देखो कोरिएंडर डाली जा चुकी है हल्की कटी हुई महीन महीन से, और इसको अच्छे से मिला देंगे इसमें। इसके बाद इसको कितनी देर के लिए ढक देंगे? 10 मिनट के लिए ढक देंगे और पास्ता रेडी, बढ़िया से सर्विंग पास्ता। तो ये देखो, चलो आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल तो पास्ता बनना है, जब खाएंगे तो एक बार फिर से आप लोगों को याद करेंगे। जय भारत।